एसी एसी वाली है ना, ये एसी वाली है। आगे इधर बेटा जादू भी दिखाते हैं अंकल। अब्दुल आदि कह रहा है मैं इंजन पे जाऊंगा, लेकिन बेटा इंजन पे नहीं जा। गुड एक्सपीरियंस। वेयर यू कम फ्रॉम? इस्लामाबाद। गुड, बहुत जबरदस्त। तो आपको मजा आया? आया आपने? मजा आया, एंजॉय किया। बेटा मैं तो वैसे असाइनमेंट पे हूँ, मगर मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। क्यों अब्दुल? हाय हाय हाय, मजा आ रहा है? क्यों यू ये जा रही है जी? जाफर एक्सप्रेस 40 डाउन, जाफर एक्सप्रेस जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले हम लेट पहुंचे हैं, थोड़ा सा कोई बात नहीं, पर आपको दिखाते हैं जी आके जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कहाँ हैं जी बताएं ज़रा? हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पे आए हैं। तो हम जिस वक्त पहुंचे थे उस वक्त जाफर एक्सप्रेस यहाँ से गुजर रही थी, और बहुत ही मुश्किल से हमने उसका कैप्चर किया है यहाँ से डिपार्चर उसका ना, तो वो भी आप रिव्यू उसका देखें। क्यों आया? गुड। और नहीं इधर से नहीं मिलता टिकट ना, इसका टिकट पिंडी से मिलता है। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन से बताते चले जी, कहीं से भी टिकट आपको नहीं मिलेगा। टिकट सिर्फ जो है नहीं बेटा, नहीं इस तरह नहीं होता ना। बस 40 मिनट पे सफारी ट्रेन हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। यूसुफ ठीक है? अब्दुल हादी ट्रेन आ गई है। माशाल्लाह जी, खुश हो गए हैं बच्चे भी। और ट्रेन आ रही है 8314 PHA20 के साथ, लीड कर रहा है जी इसको, और काफ़ी सारे दोस्त होंगे इसमें बैठे हुए। माशाल्लाह सर, क्राउड है जी, डब्बे बहुत ज़्यादा हैं बेटा, इसी डब्बे लगे होते हैं। कैसा आपको फील हो रहा है आज?
एक बात करें आगे चलती है, ये बताइएगा सिर्फ इतवार को, इतवार को चलती है, कहाँ से कहाँ तक बताएं जरा? रावलपिंडी से अटकपुर तक। अटकपुर तक चलती है और काफ़ी क्राउड है आज भी नज़र आ रहा है हमें। ठीक है अफजल, मज़ा आ रहा है कि नहीं? अभी हम जाएंगे बुरहान रेलवे स्टेशन पे। हाँ बिल्कुल क्लोज अप है और हमें क्यों जी कैसा है बताएं जरा? एसी वाली है ना, ये एसी वाली है। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे से निकल के चले चलते हैं, आगे चलते हैं। इस पे जाना है आपने आज क्या? बस वो वैसे ही लिखा हुआ था ना। हाँ जी आ जाए, आ जाए। क्या हाल है जी? ठीक है माशाल्लाह से। आप आ रहे हैं सफारी के साथ? माशाल्लाह, तो कैसा रिस्पांस नजर आ रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या नाम है जनाब का? अनिल गिल साहब। गिल साहब, चले जी बहुत शुक्रिया गिल साहब, थैंक यू। इधर से उधर से जाना है, चले आ जाए। वो पेंट्री कार है, आ जाए चले। हाँ लगता है सही है कि पेंट्री कार है वो। ये तो इस तरह का तो काम नहीं चलेगा वैसे, चले। ओहो, अच्छा ये जी म्यूजिक वाले ऑस्ट्रेलियन। अच्छा क्या हाल है जी? माशाल्लाह ठीक है, करिए ठीक हो गया बंदा। क्यों बेटा आप नहीं लगाते? आप सेकंड करो, सेकंड करते हैं। हाँ अच्छा ये है जी, यहाँ पे ज़रा अलग अलग होता है। आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मोहम्मद। चलो 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 ये इधर बेटा, जादू भी दिखाते हैं अंकल। हाँ वो जगलर है ना। हाँ ये देखिए, ये नाश्ता भी मुहैया किया हो गया है ना, नज़र आ रहे हैं हमें। चले 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 आगे चले। हाँ इधर से उतर जाओ बेटा, इधर से इधर से इधर से इधर चले। हाँ हैं अच्छा ना, आ जाओ मोहम्मद, आ जाओ बेटा। आगे भी जाना है? टोटल विजिट करा रहे हैं हम आपको। चलो 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 चलो। ये है जी, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बैठो आप लोग। ये कैसा है जी आप बताओ? हैं इंजन तो हो रहा है। हाँ इंजन तो हो रहा है ना। इंजन में क्या करना है आपने? हैं ये मोहम्मद आदि कह रहा है जी, अब्दुल आदि कह रहा है मैं इंजन पे जाऊंगा, लेकिन बेटा इंजन पे नहीं जा। नहीं ना बेटा, बुरी बात। हाँ पीछे हो जाओ, इधर खड़े होके पिक्चर बना लो, खड़े होके पिक्चर बना लो ना, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है इधर। अच्छा किधर? इधर बाहर खड़े होके बनाओ ना, बाहर खड़े होके इधर। मोहम्मद यूसुफ इधर आ जाओ। हाँ अब्दुल इधर आ जाओ बेटा, क्या कर रहे है तू मुन्ने? हाँ इधर खड़े हो जाओ। हाँ ये सरिया देखे जी, अब्दुल आदि इधर देखो। हाँ ये देखे जी, हम लोग जा रहे हैं इधर इधर। अब्दुल अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अंकल, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा थोड़ा सा, मैं तो बहुत अच्छे बात बैठा हूँ, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। इनका फर्स्ट टाइम है, इनसे बच्चों से पूछो नाम, पूछो नाम क्या आपका? अरहम। अरहम अरहम अरहम
बेस्ट एक्सपीरियंस. वेयर यू कम फ्रॉम? इस्लामाबाद. इस्लामाबाद, गुड. कौन सी क्लास में? टू क्लास में, माशाल्लाह. और अच्छा सफर जर्नी रहा है? यस, गुड 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 गुड. और मुन्ना किधर है? छोटा मुन्ना, माशाल्लाह. क्या नाम है? माशाल्लाह. और कैसा सफर रहा है? मजा आया कि नहीं आया? हाउ वाज द जर्नी? गुड. वाओ, फैसिनेटिंग. थैंक यू. ओके, थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम अंकल. अंकल, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत जबरदस्त. तो आपको मजा आया आज यहाँ पे? मजा आया, एंजॉय किया. इट वाज अ गुड ट्रिप. नाम क्या है आपका? शाकिर. शाकिर, आप कहाँ से? टेक्सास से. इधर से ही है. आप ब्लॉगिंग करते हैं? जी. अच्छा, चैनल का नाम क्या है यार? नेक्स्ट स्टेशन. अभी जा रहे हैं जी बुरहान रेलवे स्टेशन पे. हम ठीक है, गुड गुड. अंकल, आपका आज कैसा एक्सपीरियंस है? जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फलक महमूद. फलक महमूद, आपका आज कैसा एक्सपीरियंस है? बेटा, मैं तो वैसे असाइनमेंट पे हूँ, मगर मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. आप पीछे से भी देख सकते हैं, ये यहाँ से ये जुड़ता था, अटैच होता था. और ये पटरियाँ भी, टायर कितने छोटे होते थे और पटरियाँ भी. नहीं, अच्छा जा जी. अभी इसकी हिस्ट्री बताते हैं. स्टीम इंजन नंबर GS-62 Noro 2 feet 6 inch. जी बुरहान रेलवे स्टेशन पे हम पहुंचे हैं. 11:20 अब्दुल आ गए, माशाल्लाह. देखा, ट्रेन आ गई है. हम उससे पहले पहुंचे, आप पीछे हो जाएं. ट्रेन आ गई है जी, ट्रेन से पहले हम पहुंच गए. लगता है ऐसा है कि लूप लाइन पे ही आएगी. क्या समझते हैं, लूप लाइन पे आएगी कि नहीं आएगी? लूप लाइन में तो आना चाहिए. आ गई है, आगे साइड में बजेंगे क्या? हाँ, ढोल डबा, ढोल ढमके. हाँ, क्यों अब्दुल, देखे आपने? साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, साइड में. अब्दुल इधर आ बेटा. यहाँ पे रुकेगी, क्या समझते हैं? आवाम किधर पहुंची है? आवाम देखो किधर पहुंची है. आपने आगे नहीं होना, ठीक है? अब कैसा फील हो रहा है आपको? ठीक है, इधर नहीं आएंगे, ढोल ढमके इधर नहीं होंगे बेटा. फकीराबाद पहुंचाइए. फकीराबाद पहुंचाइए. अच्छा जी, फकीराबाद अवाम एक्सप्रेस पहुंचाइए. यहाँ पे क्रॉसिंग होगी. फकीराबाद रुके भी नहीं है, कतर की रफ्तार से जा रही है, समझ लो रुकी. बस आने वाली है यानी के यहाँ से. अच्छा, से यानी एक्यूरेट टाइम पे इसको बंद कर. हाँ, कैसे एक्यूरेट टाइम पे पहुँची है, हम लोग पहुँचे हैं, है ना? ये खूबसूरत कितना अच्छा है वैसे, ये बगीचा बनाया हुआ है ना? कैसे लेंगे, कैसे लेंगे? तो बाग क्या हो आप लोग, बाग क्या हो? अभी आवाम एक्सप्रेस आ रही है जी, बहुत तेज़ी से आ रही है. और ये PLC पकड़ेगी यहाँ से, देखना, ऑटोमेटिक उन्होंने यहाँ पर हैंग कर दिया है. और यहाँ से पीछे यूसुफ अब्दुल पीछे. हाँ, ये देखिएगा जी कैसे लेते हैं जी यहाँ से.
से चढ़ो, चैन से पकड़ा, इधर आ जाओ अब्दुल साइड पे। अच्छा मजा आया कि नहीं आया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर ऊपर चढ़ो। बहुत जबरदस्त सेक्शन था जी, 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का। बुध के दिन आएगा क्योंकि उनसे हलवाई हुई थी मेरी। माशाल्लाह जी, ठीक है। आपका नाम? कमरान। कमरान साहब तो किधर गए हैं जनाब आप? पेशावर गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत है जी वैसे बुरहान रेलवे स्टेशन। आपकी यहीं पे ड्यूटी है? कितने अरसे से है? मेरे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए माशाल्लाह जी। चले जबरदस्त है, जबरदस्त। क्या टाइम हुआ है? टाइम देखो, यूनिफॉर्म 11:31 हो गए। ओ जादू दिखा रहे हैं अंकल, अंकल जादू दिखा रहे हैं। जगलिंग दिखा रहे हैं, जादूगर अपना जादू दिखा रहे हैं जी। जा रही है सवारी ट्रेन, 11:36 पे डिपार्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अभी ये पार्लर कार आ गई है, ग्रीन लाइन वाले की है पार्लर कार। सफारी ट्रेन। ये गन्ने का जूस होता है जी? वाह जी वाह, किस तरह गिलास होता है, छोटा और बड़ा? वाह जी वाह माशाल्लाह। के जो ना सुना गन्ना जूस शूस सुनो ना। वाह वाह, हैं थोड़ा सा अदरक डाल दो बच्चे यार, डाल दे। अच्छा अच्छा देख करेंगे ये, चलो उठाओ अपना मोहम्मद आदि उठाए, उधर बैठे जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, मजा आ गया। बताएं मजा आ रहा है कि नहीं? क्यों अब्दुल? हाय हाय हाय, मजा आ रहा है क्यों? यूसुफ ठीक है? वाह जी वाह। बुरहान रेलवे स्टेशन का ये ईस्ट केबन है, ये कराची साइड है और ये पेशावर साइड है, अप साइड है। एक क्वार्टर वगैरह बने हुए थे यहाँ पे, बिल्कुल ही खंडर बन गए ना। यहाँ से लूप लाइन और मेन लाइन यहाँ से अलग हो जाती हैं। ये लगा हुआ है जंगला जहाँ पर PLC गिराते हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं जी, ये है यहाँ से शुरू होता है बुरहान। ये 379 मीटर ये लंबा है, ठीक है। और ये शजरकारी हुई है, यहाँ पे जंगला भी लगा हुआ है। ये GT रोड आप देख रहे हैं जो ये साइड पेशावर और ये कराची साइड जाती है, बिल्कुल GT रोड के किनारे पे है। तो बहुत मेन इंटरेस्ट के साथ ही जब दाखिल होंगे तो ये रेलवे की दूध है जी गालबन, मैं कंफर्म करके बताता हूँ कि ये मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह से। और ये एक पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उसके साथ नई एक बिल्डिंग है। चले हम रिव्यू आपको यहाँ भी देखें। ये क्या है मोहम्मद, आके बताओ ज़रा हमें, ये किबला रुख है जी इधर? अच्छा टिकट घर बना हुआ है। हाँ चले ठीक है। अच्छा ये वैसे खिड़की बनी हुई है लेकिन मेरे ख्याल में गाड़ी नहीं रुक जी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है जी
स्टेशन मास्टर साहब मौजूद हैं। सर आपका नाम क्या है सर? ये मोहम्मद इरफान। इरफान साहब सर माशाल्लाह से, तो कितना टाइम हो गया सर आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? ये मैं तकरीबन 3 साल हो गए हैं बुरहान रेलवे स्टेशन पे मेरी पोस्टिंग है। ठीक हो गया माशाल्लाह। 12 मुलाजिम हैं। ठीक है माशाल्लाह से। जैसे 2 ASM साहिबान हैं मेरे पास। ठीक है। मैं खुद स्टेशन मास्टर हूँ यहाँ पर। थैंक यू माशाल्लाह। तरह 6 केबिन मैन है। ठीक है। 2 पॉइंट्स मैन है। सही है। 2 ही 2 का मैन। ठीक हो गया। ठीक। बुरहान रेलवे स्टेशन में किसी गाड़ी का स्टॉपेज नहीं है सर। ठीक है। वजह यह है कि छोटा स्टेशन है। ठीक है। वो गाड़ियां बस क्रॉसिंग में अभी इन दिनों ख़त्म हुआ है। वैसे यहां पर गुड्स का काम था काफ़ी पहले, मतलब अभी पीछे ख़त्म हुआ है। हमारे पास कोल का काम था, यूसुफ वाला कोल। अच्छा, यूसुफ वाला कोल से यहीं से जाता था? जी हाँ, पहले इससे पहले एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी। ठीक है। वो यहाँ खड़ी होती थी, हर स्टेशन पे उसका स्टॉपेज था। पेशावर से चलती थी, लाहौर जाती थी। अच्छा। 327 अब, और इसी तरह वहाँ से चलती थी अपना 327 अब, ऐसे जाती थी पेशावर साइड, 328 डाउन डाउन जाती थी, लाहौर जाती थी। हर स्टेशन पर उसका स्टॉप होता था 2 मिनट। जी ठीक है। अभी वो बंद है। सही है। इस वक्त तो असलम दाल में एक अवाम एक्सप्रेस का ही स्टॉपेज है जी मेरा ख्याल में, बाकी तो बाकी सारी गाड़ियाँ उधर से भी थ्रू ही हैं। मैं ये समझता हूँ कि असमदाल चूँकि बहुत बड़ा स्टेशन है और तहसील लेवल का बहुत अच्छा, और अब तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश हो गया है, इसको अगर 1 मिनट स्टॉप दे दिया जाए 47-48 को, तो मेरे ख्याल से काफ़ी पैसेंजर इस पर सफ़र करेंगे। ठीक है। बिल्डिंग तो हमें पुरानी अंग्रेज दौर वाली है गालबन, पर कुछ नया भी मैंने देखा है कि यहाँ पर तमीरात हुई है। बिल्डिंग तो सर ये बिल्कुल जो है पहले की बनी हुई है। ठीक है। पुरानी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग आप कह सकते हैं। ठीक है जी। नई तो सब नहीं, तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वही पुरानी बिल्डिंग है, वही चल रहा है सारा। और ये देख रहा हूँ कि ये जो टोकन वाला ये चीज़, ये क्या है, इसको कहते हैं? ये नील्स बाल टोकन इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, टोकन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। असल में जो बाल टोकन अथॉरिटी टू प्रोसीड जिसे हम कहते हैं, वो जब हम अगले स्टेशन से रिसीव करते हैं जो इजाज़त नामा होता है गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है, वो रिसीव करते हैं, वो फिर हम ड्राइवर साहब को पाउच ऑटो करने डाल के वो करके जी। ठीक हो गया। ट्रेन ऑपरेशन सही से। और ये टेलीफोनिक सिस्टम भी सारा वही लगा हुआ है? वही ये बिल्कुल, ये सब कुछ वही लगा हुआ है। ये केबन फोन है हमारा, इससे केबन मैन से रब्ता होता है। और ये मैं देख रहा हूँ बोर्ड पे ये सिग्नल की इंडिकेशन है सर। अच्छा, सिग्नल इंडिकेशन है। क्वार्टर्स पहले बने हुए थे। अच्छा। ये 1890s की दौर में बने हुए अच्छा। थे जी। उसके बाद हमारी तो चूंकि अभी रिसेंटली तकरीबन जब हम आए हैं 2004 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है। उस वक्त कुछ ना कुछ था सिलसिला, लेकिन अभी तो बिल्कुल कंडम हो गए। जी मोहम्मद इरफान साहब स्टेशन मास्टर से हमारे साथ, आपका वक्त देने का जी बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह मुलाकात आपसे रहेगी जी। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। तेजी से आ रही है ट्रेन, पीछे हो जाओ पीछे। अच्छा ठीक है। मेन लाइन पे जा रही है, उस लाइन पे आप बस इधर ही खड़े, आगे नहीं होना। 1:27:48 रहमान बाबा अपने तेज तरीन सफ़र के साथ पेशावर से निकली है और बुरहान रेलवे स्टेशन पे क्रॉसिंग हो रही है। साहब ने ग्रीन झंडी दे के गाड़ी को रवाना कर दिया है। टर्न ले रही है बुरहान रेलवे स्टेशन से, थोड़ा सा आगे जाके कर्व आता है छोटा सा। कैसी लगी आज की वीडियो का आपको हमने सफारी? आपको सुबह सबसे पहले असन अब्दाल रेलवे स्टेशन पे लेके गए, उसके बाद हमने बुरहान रेलवे स्टेशन पे रेल फैनिंग की है और स्टेशन मास्टर साहब से बात की है। तो फिर अभी इजाज़त चाहते हैं, तो वीडियो देखने वाले ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है अब्दुल्ला जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।